सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग कक्षा दूसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में दिए गए एक पाठ जिसका नाम है दोस्त की मदद, उसको पढ़ेंगे। पाठ का नाम है दोस्त की मदद और इस पाठ में हम देखेंगे कि कैसे एक कछुआ और एक लोमड़ी एक दोनों दोस्त होते हैं और लोमड़ी बहुत ही चालाकी से अपनी दोस्त कछुआ की जान बचाती है। तो सबसे पहले इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द है इसको भी आपको बताऊंगा और इस पाठ में जो कहानी है दोस्त की मदद इसके बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा। तो एक बार की बात है, किसी तालाब में एक कछुआ और एक लोमड़ी दोनों रहते थे। कछुआ तालाब में रहता था और लोमड़ी तालाब के बगल में ही एक मांद थी। तालाब के किनारे उसी मांद में लोमड़ी रहती थी। मांद मतलब होता है गुफा या छोटा सा कह सकते हैं हम खो, यानी कि जंगल में जो जानवर होते हैं वो मांद में ही रहते हैं। जैसे हम लोग मनुष्य अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, उसी तरह से जो जंगली जानवर होते हैं वो मांद में रहते हैं। तो कछुआ और लोमड़ी दोनों एक दिन तालाब के किनारे बैठकर गपशप कर रहे थे। गपशप यानी कि बातचीत कर रहे थे दोनों एक दूसरे से। तभी वहां पे एक तेंदुआ आ जाता है। यहाँ पे देखिए तेंदुआ आ जाता है वहां पे। तो आप सबको पता है तेंदुआ एक जंगली जानवर है और वो अपने से छोटे जानवरों को मारकर खा जाता है। तो कछुआ और लोमड़ी ने जैसे ही देखा कि तेंदुआ आ रहा है तो दोनों अपनी अपनी जान बचाने के लिए घर की ओर भागे। तो लोमड़ी तो सरपट दौड़ते हुए अपनी मांद में जाकर छुप जाती है, यानी कि लोमड़ी तेजी से दौड़ते हुए अपनी गुफा में जाकर छुप जाती है। लेकिन बेचारा कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण, धीमी रफ्तार के कारण तालाब तक नहीं पहुंच पाता है और तेंदुआ ने एक ही छलांग में कछुए को पकड़ लिया। अब तेंदुआ अपने जबड़े से कछुए को पकड़कर एक पेड़ के नीचे ले जाता है। अब तेंदुआ उसको खाने के लिए पूरा जोर लगाता है, अपने नुकीले दांत नुकीले पंजों से कछुए को मारकर खाना चाहता है। लेकिन आप सबको पता है कि कछुआ के पास क्या है, सुरक्षा कवच, एक सख्त खोल होता है उसका, एक सख्त सेब होता है जिसके अंदर कछुआ जब उसको खतरा महसूस होता है तो कछुआ इस सेब के अंदर छुप जाता है। तो तेंदुआ जो है पूरी ताकत से कछुए को खाने की कोशिश करती है, अपने पंजे और नाखूनों की ताकत लगाती है, फिर भी वो कछुए के सख्त खोल को नहीं तोड़ पाते हैं। तो ये सब चीज लोमड़ी अपनी मांग में छुपकर देख रही होती है। तो लोमड़ी सोचती है कि मैं किस तरह से अपने दोस्त की मदद कर सकती हूँ, किस तरह से उसकी जान बचा सकती हूँ, क्योंकि तेंदुआ कुछ देर में हो सकता है और ज्यादा ताकत लगाकर एक कछुआ का जो सख्त खोल है उसको तोड़ दे और एक कछुआ को मार डाले। तो लोमड़ी सोचती है कि मैं कैसे अपने दोस्त जो कछुआ है उसको मैं बचा सकती हूँ। तो लोमड़ी आती है और बड़े ही भोलेपन से तेंदुआ से बोलती है कि तेंदुए जी, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ कि कछुए के सख्त खोल को कैसे तोड़ा जा सकता है। तो तेंदुआ बोलता है ठीक है बताओ। तो लोमड़ी बोलती है कि आप इस कछुए को तालाब के पानी में डाल दीजिए, यानी जिस तरह से हम सूखी रोटियों को पानी में अगर डालते हैं तो गीला हो जाता है, उसी तरह से आप क्या करिए कि कछुए को तालाब में डाल दीजिए और पानी में जाने से इसका जो सख्त खोल है, जो कठोर खोल है वो नरम हो जाएगा। अब बेचारा तेंदुआ सोचता है कि लोमड़ी अच्छी तरकीब बता रही है। तो तेंदुआ बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को आजमा कर देख लेता हूं। और बेचारा तेंदुआ कछुए को पानी में फेंक देता है। और आप सबको पता है कि कछुआ पानी में ही रहता है, तालाब में ही रहता है, तो कछुआ तालाब में जाते ही वहां से गायब हो जाता है, यानी तालाब की जो
नीचे के जो तल है उसमें जाकर वो छुप जाता है और इस तरह से कछुआ की जान बच जाती है। और बेचारा तेंदुआ वहीं पे बैठा बैठा अपना हाथ मलता रह जाता है। और लोमड़ी बड़ी ही चालाकी से बड़ी ही चतुरता से अपने दोस्त कछुआ की जान बचा लेती है। तो आपने इस कहानी में देखा कि हमें कभी भी किसी भी मुसीबत में अपने दोस्त को संकट में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, हमें अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। जिस तरह से लोमड़ी ने बहुत ही चतुरता से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कछुआ की जान बचा लिया, उसी तरह से हमें भी संकट में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। और बच्चों हम देखते हैं इस शब्द के कुछ इस पाठ में कठिन शब्द हैं, इसके अर्थ भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपका शब्द है दोस्त, दोस्त मतलब होता है मित्र या सखा, मदद यानी कि सहायता। अगला शब्द है आपका मान, जिसमें लोमड़ी रहती थी, मान यानी कि गुफा या खो। गपशप यानी कि लोमड़ी और कछुआ तालाब के किनारे बैठकर गपशप कर रहे थे, गपशप यानी बातचीत। सख यानी कठोर, नरम यानी मुलायम, और तरकीब यानी उपाय। इस तरह से हमारे कुछ कठिन शब्द थे जिसके अर्थ आपने जाना। आप इस कठिन शब्द को अपनी कॉपी में नोट करेंगे और दोस्त की मदद पाठ को घर में अच्छे से बैठकर पढ़ेंगे और इस कहानी से आप शिक्षा ग्रहण करेंगे। धन्यवाद बच्चों।